वो करता था दीवान खास रॉयल पैलेस इस कमरे को मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था एज ए किचन सर फिर वहीं चूल्हा होता था पर्पज के लिए और इसी कमरे को एज ए बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था सोने के लिए एज ए डाइनिंग हॉल के तौर पर भी खाने के लिए जमाने कदीम में कोई सेपरेट किचन कोई सेपरेट बेडरूम में ही होता था एक ही कमरे को सारे पर्पज के लिए रात भी यूज किया जाता था You will see two sticks. What is this? Yeah. This is called sundial. Sundial का मतलब आप समझ गए होंगे. Sundial means sun clock यानी धूप घड़ी. ठीक. ये उस जमाने का धूप घड़ी हुआ करता था. अच्छा. उस वक्त के लोग अपना टाइम का पालन कैसा करती थी? जब भी सुबह सूरज मस्तिष्क से तुलु होता, जैसे जैसे लाइट मारे की तरफ मूव करेगा, तो simultaneously जैसे जैसे लाइट towards the west मालिक की तरफ मूव करेगा तो सिमुलेटेनियस इसकी ये जो शेडो है सिमो इसी डायरेक्शन में ग्रेजुअली मूव करता था ये शेडो फिर वो लोग इसके एक सर्कस बनाते थे उस सर्कस को बना के उसको छोटे डिवीजन में तकसीम करके फार्मूला लगा के अपना नंबर अपना टाइम आइडिया कर लेते हाँ, थे और सिलेक्टर ये टाइम क्या करते थे ये पॉसिबल था दिन के टाइम लेकिन रात के टाइम उनके पास ऑप्शन नहीं था यहाँ पर एक बड़ा पीने ने कुछ दोस्तों इसमें सामान जिसमें खाने पीने का सामान वगैरह को रखा जाता था जरा हम चलते सर टेरिस की तरफ जी यहाँ तस्वीर डाली टेरिस आप गेज कीजिएगा कि इसको कैसा बनाया गया है इसी तरह देखिए सर और फिर यहाँ से देखिए सर कैसा व्यू है कैसा व्यू है सर क्या बात है जनाब सर आप लोग अताबाद गए सर जी हाँ जी अताबाद गए थे जी बिल्कुल गए थे ये साथ में शाही खानदान वालों का हमाम होता था सर यहाँ पर ये उनका हमाम यहाँ पर अपने शावर वगैरह लिया करते थे और इसके नीचे प्रिजन है सर क्योंकि आप लोगों ने भी देख लिया है प्रिजन को ऊपर शाही खानदान वालों का टॉयलेट होता था सर अच्छा जी प्रिजन को ऊपर उनका मकसद क्या था प्रिजन को टॉयलेट बनाने का यानी प्रिजनर्स को मेंटली ये सर देखिए सर बिल्कुल यहाँ पे कुर्सी पे सर इसका जो रियर साइड है पीछे का जो एरिया है वो बिल्कुल सेफ है यहाँ से कोई इंजीनियर कोई हमलावर ऊपर आ नहीं इसको बिल्कुल इसको बिल्कुल क्लिफ पर बनाया गया फोर्ट की बालकनी भी मौजूद है